बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर कस्टमर। आज आपके लिए कवल मलिक का वेडिंग ब्राइडल का डिज़ाइन लेके आए। ठीक है, कोशिश की है सेम एज ओरिजिनल पैटर्न पे बनाए इसको। ठीक है, पूरा आर्टिकल जो है रॉ सिल्क पर है, इसकी पूरी डिटेलिंग आपको बताएंगे। पूरा मैंने एक रेडी करके रखा है कि इसका क्या ओवरव्यू आना है। ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा इसकी चीज़ें हैं। 7 कलियाँ फ्रंट की और 7 कलियाँ इसकी बैक की हैं। दामन का बॉर्डर है, ऑर्गेन्जा का इसका दुपट्टा है। तो इसको पूरा डिटेल के साथ आपको एक एक चीज़ बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट की कली की। रॉ सिल्क का फैब्रिक है। ठीक है, अब इसके ऊपर डिटेलिंग जो काम है वो आप देख लें। ठीक है, एक कली को मैं आपको डिटेलिंग के साथ वीडियो में सारी चीज़ें दिखा दूँगा, हर कली को नहीं दिखा सकता। ये आप देख सकते हैं इसमें काम की क्या फिनिशिंग है, क्या नफासत है। ठीक है, जो ब्रांड फैब्रिक यूज़ करते हैं रॉ सिल्क, उस फैब्रिक पे ये पूरा आर्टिकल को हमने बनाया है। ठीक है, ये आप देख लें, पूरा हैंड एम्बेलिश 3 kg का इसका वज़न है। ठीक है, वेट इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना हैवी ये पूरा आर्टिकल है। ठीक है, ये तो मैंने सारी कलियाँ आपस में ये जॉइंट करके रखी हैं। ये देखें, ये आपको मिलेगी अनजॉइंट, ये आपको खुद जॉइंट करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो एक व्यू क्रिएट करके आपको दिखाया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ आपको मिलनी है। तो ये सारी कलियाँ आप देख लें, 7 कलियाँ हैं, 7 कलियाँ हैं जो पूरी हैंड एम्बेलिश है। ठीक है, रॉ सिल्क पे ही दामन का बॉर्डर है। ये लगने के बाद आपकी लेंथ 60 इजीली आ जाएगी, जो आपकी डिमांड होती है। ठीक है ना, इसके अंदर जो काम है, नक्स का भी काम है, क्रिस्टल्स का भी काम है। आ जाते हैं अपर बॉडी की तरफ। ठीक है, अपर बॉडी जो है इसकी वो बहुत ज़्यादा हैवी है। ठीक है, वो भी आप देख लें, जैसी ओरिजिनल में जो चीज़ बनी हुई थी सेम एज इट इज़ ही वही चीज़ आपको बना के हाफ़ से भी कम प्राइस में डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, प्योर रॉ सिल्क का फैब्रिक है जो पूरे सूट में यूज़ किया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ दुपट्टा जो है इसका ऑर्गेन्जा है। ठीक है, फ्रंट आपने पूरा देख लिया। ठीक है, एक अब ओवरव्यू देखें फ्रंट की, कलियाँ जो आपस में जॉइंट हुई हुई हैं, ये पूरा एक ओवरव्यू आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव्स जो है वो भी पूरी हैंड एम्बेलिश है। ठीक है, ग्रीन कलर है ये। ठीक है, हो सकता है कैमरे में आपको कलर थोड़ा सा आउट लग रहा हो, लेकिन ये ग्रीन कलर है। इसके भी जो बॉर्डर है पूरा हैंड एम्बेलिश काम, देखिए आप काम की फिनिशिंग, इसमें जो चीज़ें मटीरियल जो यूज़ हुआ हुआ है कितना हैवी और ओरिजिनल मटीरियल यूज़ हुआ हुआ है इसके अंदर सारा। ठीक है, क्रिस्टल्स देखें सारे, काम की डिटेलिंग देखें। इसलिए आप थोड़ी सी वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मैं आप चाहता हूं कि आपको सूट की हर एक एक चीज़ की डिटेलिंग इजीली बना सके। सूट थोड़ा सा महंगा होता है, इसकी वजह से जो है वीडियो बना। ये एक स्लीव्स है और ये अगर हम फोल्ड कर लें तो इसके नीचे इसकी दूसरी स्लीव्स है। ठीक है, अच्छी खासी बड़ी स्लीव्स है, बेल बन जाएगी। अच्छा, बैक योक की तरफ आते हैं। फ्रंट तो बात हो गई है, अब बैक की योक देख लें, वो भी पूरी हैंड एम्बेलिश है। ठीक है, उसको भी जो है पूरा हैंड एम्बेलिश किया गया है। ये पूरी जो है बैक की योक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है जैसी फ्रंट है, लेकिन फिर भी इसमें आप देखें रूबी का इस्तेमाल ज़्यादा है। रूबी नग, जैसा कि हर किसी को पता होता है इसका, ख़ासतौर पर लेडीज़ को। ठीक है, तो ये हो गई बैक की योक। अच्छा, बैक की जो कलियाँ हैं वो हैंड एम्बेलिश नहीं है, वो भी 7 कलियाँ यानी 14 कलियों का पूरा ये आर्टिकल है। ये जो है इसको आप देख लें, बॉर्डर इसके साथ जॉइंट हुआ हुआ है। ठीक है, अलग से भी आप कर सकते हैं। और ये एक कली जो है बैक की किस तरह मिलेगी, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड सीक्वेंस और थ्रेड का इसके ऊपर काम है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 7 कलियाँ ये है। इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको सब चीज़ें दिखा सकूँ। ये इसी तरह आपको मिलेगी, इसी पैटर्न पे ही फ्रंट की भी कर लें, आपस में जॉइंट आपने करनी होगी। ठीक है, तो ये एक पूरा ओवरव्यू आपको दिखा दिया है। ठीक है, दुपट्टे की तरफ चलते हैं। ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है इसके साथ। ठीक है, रेडी नहीं है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो रेडी करके भी आपको दे देंगे। ऑर्गेन्जा का ये पल्लू है, 2 साइड पल्लू है। ठीक है, और ये जो है इसकी माथा पट्टी है। कुछ कस्टमर कहते हैं हम अपने हिसाब से रेडी कराएंगे, तो इस वजह से जो है रेडी नहीं दिया। बाकी आपके ऊपर है कि आप इसको रेडी कराना चाहेंगे तो वो हम भी आपको करके दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो एक दफ़ा पूरा ओवरव्यू देख लें। जो चीज़ जैसी आपको दिखाई जा रही है 101% यही चीज़ आपको डिलीवर भी होगी। थैंक यू।